तो हे गाइस, निक्स इज हियर। एंड अगर आपके पास में भी मेरी तरह शियाओमी डिवाइस है गाइस, तो आप काफ़ी इंटरेस्टिंगली अपने डिवाइस का लुक चेंज कर सकते हो। होम स्क्रीन से लेकर लॉक स्क्रीन तक, बूट एनिमेशन से लेकर सिस्टम सेटिंग, सब कुछ चेंज हो जाएगा। जस्ट आपको करना क्या है कि अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर देना है चैनल को, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना है अभी के अभी, एंड कोई लाइक एम नहीं रखते हैं आज की इस वीडियो का, ठीक है। बिल्कुल फ्री है, जितना चाहो लाइक कर सकते हो। उसके बाद में चलो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है गाइस, बिना स्किप करे वीडियो देखनी है। स्किप करते हो तो आप लोग कमेंट में अगर बोलते हो कि यार ये समझ नहीं आया, वो समझ नहीं आया, ठीक है, तो पूरा देख लेना। एंड उसके बाद में चलो अपनी होम स्क्रीन को कर देंगे बिल्कुल क्लियर, ठीक है। अगर आप गूगल बार यूज़ करते हो तो उसको साइड में ले जा सकते हो। एंड ये करने के बाद में आपको गाइस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना है, वहाँ पर आपको लिंक्स मिल जाएंगे इन दोनों वॉलपेपर्स के। काफ़ी हाई क्वालिटी वॉलपेपर्स हैं, एक हम होम स्क्रीन के लिए यूज़ करेंगे, दूसरा यूज़ करेंगे अपनी लॉक स्क्रीन के लिए, ठीक है। तो ये दोनों वॉलपेपर्स आप डाउनलोड कर लेना वीडियो देखने के बाद में। अब उसके बाद में आ जाना थीम स्टोर में, एंड वहाँ पर पहली थीम डाउनलोड करनी है कॉन्सेप्ट 1PA। तो यार ये काफ़ी इंटरेस्टिंग थीम लगी मुझे एनिमे लवर्स के लिए, ठीक है, तो उसको डाउनलोड कर लेना। एंड इसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे गाइज हम सिस्टम एंड आइकन्स के लिए, ठीक है। तो दो चीज़ के लिए अप्लाई करेंगे जस्ट, एंड बाकी के दो टिक हटा देंगे, ठीक है। उसके बाद में आपको सेकंड थीम यहाँ पर डाउनलोड करनी है, इसका नाम है स्पेक डी, ठीक है। तो इस थीम को यूज़ करेंगे अपनी हम लॉक स्क्रीन के लिए। तो आज की इस वीडियो में थोड़ा सा आपको इजी रहने वाला है, क्योंकि सिर्फ दो थीम आपको डाउनलोड करनी है, ठीक है, और लॉक स्क्रीन पर इस वाली थीम को अप्लाई कर देंगे। एंड ये सब करने के बाद में सिंपली आ जाएंगे अपने होम स्क्रीन में, जो कि आप देख सकते हो कुछ इस टाइप से लुक आ जाएगा आपका निकल कर, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, जो आप वॉलपेपर आप डाउनलोड करोगे उनको सबसे पहले तो होम स्क्रीन के लिए अप्लाई कर देंगे। एंड जो लोग लॉक स्क्रीन पर वॉलपेपर अप्लाई नहीं कर पाते अपना थीम अप्लाई करने के बाद में, ठीक है, देखते रहना वीडियो को, छोड़ कर मत जाना, सॉल्यूशन बताऊंगा आप लोगों को। उसके बाद में आप क्या करेंगे कि सेटअप कर देंगे कुछ इस टाइप से, ठीक है, तीन आइकन यहाँ लगा देंगे, बाकी आइकन की आपकी चॉइस है, कहीं भी कैसे भी लगा सकते हो। तो ये करने के बाद में आपको आ जाना है गाइज अपने प्ले स्टोर में, एंड वहाँ पर डाउनलोड करना है आपको KWGT कस्टम म्यूजिक मेकर, ठीक है। बस एक बार आप ये इसको डाउनलोड कर लो, आपका आगे तक का काम हो जाएगा। मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ KWGT अपनी वीडियोस में। एंड उसके साथ में आपको दूसरा ये पैक डाउनलोड करना है, ये दो चीज़ें डाउनलोड करनी है, ठीक है, HUK KWGT ये पैक का नाम है, ये दोनों चीज़ें डाउनलोड कर लेना, एंड आगे तक आके आपके काम आएंगी ये चीज़ें, ठीक है, क्योंकि मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ। अब उसके बाद में अपना विजिट सेक्शन में आ जाना है, एंड वहाँ पर KWGT के साइज़ वगैरह आपके आ जाएंगे। तो 4x2 का यहाँ पर मैं साइज़ लेता हूँ सबसे ज़्यादा, तो वही लेंगे इस बार भी। एंड उसके बाद में टैप करेंगे तो आ जाएंगे अपने KWGT में, यहाँ पर इंस्टॉल पैक लिखा हुआ है, तो आपको HUK यहीं देखने के लिए मिल जाएगा। HUK में जाएंगे एंड थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके सामने वो विजिट आपको देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप की हमारी विजिट दिख रही है। अब इसको थोड़ा सा एडिट करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा आपका टाइम लग सकता है, बाकी कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। सबसे पहले आप देख सकते हो लेयर का ऑप्शन है यहाँ पर, तो इसमें थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर सकते हो, बट इसको थोड़ा सा मैन्युअली साइज़ बड़ा करना पड़ेगा। मैन्युअली कैसे, लाइक आप देख सकते हो 08 जो भी आपका टाइम होगा वो आपको अलग से यहाँ लिखा हुआ मिल जाएगा, उस पर टैप करना है। नीचे आप देख रहे हो साइज़ लिखा हुआ है, ठीक है, साइज़ छोटा बड़ा यहाँ से हो जाएगा इसका। और उसके बाद में यहाँ पोजीशन आ जाएगी राइट साइड में, देख सकते हो सब कुछ आपके सामने होगा, ठीक है, काफ़ी ईजी है। तो आप पोजीशन वगैरह इसकी अच्छे से सेट कर सकते हो। ऐसे ही नीचे मिनट लिखे हुए हैं बिल्कुल अलग से, ठीक है, सारी चीज़ें अलग अलग हैं। तो ये मिनट में आकर पेंट पोजीशन में आकर देख सकते हो, उसका लेफ्ट राइट कर सकते हो, ठीक है, टेक्स्ट में आकर साइज़ छोटा बड़ा सब कुछ आप यहीं से कर सकते हो। तो थोड़ा सा टाइम देने के बाद में इस टाइप से आपको कर देना है इसको एडजस्ट, ठीक है। अब जो आपका टाइम होगा उस टाइम पर टैप करना है, साइड में आप देख रहे हो राइट साइड में पेंट का ऑप्शन है, पेंट में आकर आपको यहाँ पर एडिट कर सकते हो अपने विजिट के कलर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर हल्का सा एक लाइट पिंक कलर यूज़ करने वाला हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने वाला है सेटअप को, ठीक है, थोड़ा क्लोज टू वाइट रखूँगा इसको, तो एक अच्छा सा लाइट पिंक कलर ऐड हो जाएगा, ठीक है। और जो मिनट है अपने, मिनट में यहाँ पर मैं रेड कलर ले लेता हूँ, सेम प्रोसेस रहेगा इसका भी। तो ये करने के बाद में विजिट हो गई अपनी फुल्ली एडिट, एंड आप देख सकते हो काफ़ी सही लुक आ रहा है अपना निकल कर, ठीक है। तो होम स्क्रीन तो काफ़ी ज़्यादा क्लीन लग रही है, मैंने कम आइकन इसलिए रखे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर भाई मेसअप हो जाता है, तो यार वो भी अच्छा नहीं लगता। गूगल बार रखना चाहो रख सकते हो, नहीं तो इसको हटा सकते हो, ठीक है, और ज़्यादा क्लीन लुक आएगा, ठीक है। अब रही बात गाइस लॉक स्क्रीन की, तो लॉक स्क्रीन के लिए सबसे पहले मैं चलो आपको वॉलपेपर अप्लाई करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये वाला वॉलपेपर इस टाइप से अप्लाई करेंगे, थोड़ा सा इसको राइट साइड में रखेंगे नीचे की साइड, और लॉक स्क्रीन पर सिंपली अप्लाई कर देंगे। अब जो लोग नहीं कर पाते वॉलपेपर को अप्लाई, उनको क्या करना है, आपकी थीम स्टोर की ऐप है,
तो इस ऐप पर आपको क्या करना, थोड़ी देर टैप करके रखोगे जो ऐप इन्फो के ऑप्शन आएंगे यहाँ पर, ऐप इन्फो में चले जाना है एंड नीचे जहाँ मेरा डिसेबल लिखा है वहाँ आपका लिखा होगा डिलीट अपडेट या अनइंस्टॉल अपडेट, तो सिंपली अपडेट को डिलीट कर देना, आप अपनी लॉक स्क्रीन पर वॉलपेपर अप्लाई कर पाओगे। अब जिनकी ये ट्रिक काम नहीं करती वो डिफ़ॉल्ट लॉक स्क्रीन पर ये वॉलपेपर अप्लाई कर सकते हो या फिर कोई भी डार्क लॉक स्क्रीन चूज़ कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल इस लॉक स्क्रीन की अगर बात करूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी यार। देख सकते हो बॉटम से स्वाइप अप करोगे तो ये कुछ कंट्रोल सेंटर आ जाएगा आपके सामने जहाँ पर शॉर्टकट वगैरह यूज़ कर सकते हो, एंड इस आइकन पर टैप करोगे तो सिंपली आपका डिवाइस अनलॉक हो जाएगा। तो यार ये लॉक स्क्रीन मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगी। ठीक है, एंड इसके बाद में सिस्टम की अगर बात करूँ तो डायलर वगैरह में आपको यहाँ पर चेंज मिल जाता है देखने के लिए, रेड कलर का डायलर हो गया आप लोगों का देख सकते हो। ठीक है, सेटिंग की अगर बात करें तो सेटिंग के अंदर भी आपको काफ़ी अच्छा खासे चेंज देखने के लिए मिल जाएंगे अबाउट फोन में आप देख सकते हो। तो ये ओवरऑल काफ़ी सही लगा। अब बात करें कंट्रोल सेंटर की, तो यार कंट्रोल सेंटर में काफ़ी लोग इंटरेस्टेड होते हैं, तो आप देख सकते हो ऊपर एक छोटा सा गोकू का फोटो मिल जाएगा देखने के लिए एंड फुल्ली डार्क कंट्रोल सेंटर हो गया है। ठीक है, सिस्टम वगैरह में हल्के फुल्के अंदर चेंज मिलेंगे आपको। एंड बात करूँ नोटिफिकेशन सेंटर की तो वो भी फुल्ली डार्क देखने के लिए मिल जाता है आपको इस रेड के कॉम्बिनेशन के साथ में। तो यार ओवरऑल ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, फुल सेटअप आपका डिवाइस चेंज हो चुका है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा यार मुझे सही लगा। एंड अगर आपके पास में गाइज देखो Xiaomi का डिवाइस है, आप मेरी बाकी की वीडियोज़ भी चेक कर सकते हो। तो अब बात रह जाती है गाइज बूट एनिमेशन की, तो चलो बूट एनिमेशन अब आपको मैं दिखा देता हूँ किस टाइप से आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो स्टार्टिंग में तो आपको नॉर्मल सा ये रेडमी ही दिखाई देगा, उसके बाद में स्टार्ट हो जाएगी आपकी ये बूट एनिमेशन। तो गाइज देखो होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो यार वीडियो अगर पसंद आई हो तो जस्ट ज़रूर एक लाइक कर देना एंड शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा यार आप लोगों का प्यार मिल रहा, सपोर्ट मिल रहा, एंड कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, मैं सबके रिप्लाई करता हूँ, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है आप लोगों से बात करने में। ठीक है, तो मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।